दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जन्म के नक्षत्र, जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है, 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोगों का जो भी जन्म का नक्षत्र हो, अपने जन्म के नक्षत्र की वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो मेडिटेशन में आइए, ज्वाइन बटन को दबाइए और चैनल के मेंबर बनिए। उसमें क्या है, देखिए, जब आप लोग चैनल के मेंबर बनेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा मंडे आने वाला है, ये इसमें क्या है कि लाइव वाला क्लासेस आपकी शुरू होगी। क्या चीज चल रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है और मेडिटेशन के माध्यम से हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी चीज मैं उसके अंदर लेकर आ रहा हूं। तो अब देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक परिवर्तन हो रहा है हमारा राहु का। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके जो है मीन राशि में आ रहे हैं। और मीन राशि में आने का मतलब क्या है कि आपके सातवें भवन में आ रहे हैं राहु, और केतु आपके जा रहे हैं फर्स्ट भवन में, मतलब कन्या राशि में आ चुके हैं। तो इस चीज का सारा सिस्टम क्या है, देखिए अभी वो एर्थ हाउस में चल रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एर्थ हाउस में राहु 99 आउट, मतलब अगर जो स्टूडेंट्स अभी तक किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा दे रहे थे और आठवें हाउस में उनका क्या था, राहु, तो यहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं ना कहीं मन परेशान था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब हम कन्या लग्न वाले लोगों की बातचीत करते हैं तो क्या होगा कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आ गए और राहु आपके कहां गए, सेवेंथ हाउस में आ गए। सातवां हाउस हमारा किस चीज का होता है, बात करेंगे सबसे पहले राहु की। तो सातवां हाउस हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमारी स्पाउस का हाउस है, ठीक है, और नेचुरली अगर हम इसे देखेंगे तो ये बिजनेस का हाउस है। रोज जो हम लोग कमाते हैं, मतलब जो हमें डेली इनकम होती है, वो भी हम किस चीज से देखते हैं, सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अगर हम किसी चीज के बिजनेस को कर रहे हैं और वो बिजनेस हमारा पार्टनरशिप में है तो भी पार्टनरशिप कहां से देखी जाएगी, हमारे सेवेंथ हाउस से देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी आती है सेवेंथ हाउस में। अब देखिए, आप सोचो कि यहां पर राहु आ गए, अब राहु देव का जो स्वभाव है वो साथ में वाला जो घर है वो किस प्रकार से डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारी स्पाउस का हाउस है, जैसे ही हमारे पास राहु देव की एनर्जी आएगी कब, 30 अक्टूबर से, तो क्या है कि आपस में एक मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वहां मिस अंडरस्टैंडिंग के आप लोग शिकार हो गए, मतलब ना चाहते हुए भी आपकी स्पाउस आपके ऊपर कोई ना कोई किसी बात पर शक करना शुरू कर देती है। ये शक वाली चीज जो मैं कह रहा हूं, ये है क्या, राहु का एक स्वभाव। राहु का क्या स्वभाव है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार ऐसा सामने वाले के दिमाग में डाल देना कि वो ये सोचता रहे कि क्या पता ये इस तरीके से करते हो, ऐसा हो वैसा हो, मतलब ये विचार आपके स्पाउस में चलते रहेंगे। आपको इसमें ये नहीं सोचना कि ये क्या हो रहा है, तो आप समझिए कि यहां पर थोड़ा झगड़ा होने की संभावना रहती है। अगर आप लोग अपने आप को बिल्कुल क्या है, नीथ एंड क्लीन का मतलब जो चीज आप कर रहे हैं उनको विश्वास में लेकर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप वाले काम से जुड़े हुए हैं तो 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, ये पार्टनरशिप वाली बात में क्या चीज चलने लगेगी, कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां भी शुरू हो जाएगी कि आपने मार्जिन ज्यादा ले लिया, मुझे कम दे दिया, मेरा शेयर ज्यादा था, मुझे मार्जिन ज्यादा, इस तरीके के विवाद होना शुरू हो जाते हैं जब सेवेंथ हाउस में राहु आएंगे। पहली बात, स्पाउस के साथ दिक्कत, पार्टनरशिप के साथ दिक्कत। अब जो लोग वहां पर ये डिसीजन लेंगे कि चलिए मुझे ये बिजनेस अब अकेले करना है, उन लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है कि पार्टनरशिप को डैमेज करते हैं यहां पर बैठा हुआ राहु। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं समय आपसे, अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं और उसमें ये नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाए, मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर दे, जो बिजनेस पार्टनर है, तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना है कि आप अगर इस तरीके के बिजनेस में हैं कि आप उस बिजनेस को अकेले रन कर सकते हैं, अकेले का मतलब आपके साथ बहुत सारा स्टाफ हो, ये सब चीजें वो आपको मैं बता ही रहा हूं, लेकिन जिस पार्टनर के साथ आप हैं और जिसमें खटास पड़ गई, मतलब एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई, आपस में झगड़े बंद चलने शुरू हो गए,
तो वहां आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको अकेले आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप ये डिसीजन लोगे, आपके लिए राहु यहां क्या काम करने लगेगा, एकदम पॉजिटिव वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लग गई आपस के झगड़े में, वहां काम हो गया। तो अब जब आप आगे बढ़ोगे तो एकदम बढ़िया स्पीड से आगे बढ़ते हो, पहली बात बिजनेस पार्टनर में ये चीज हुई। दूसरी बात मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि ये जो 18 महीने रहेंगे आपके खर्च ज्यादा होंगे और आमदनी कम होगी। कब होगी? जब आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो। तो हर बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबा रहा है, इस तरीके की आपका जो मन की सिचुएशन है इस तरीके की बनी रहेगी 18 महीने तक। और जैसे आप डिसीजन लेते हो कि मुझे खुद आगे बढ़ना है, तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब जब राहु हमारे सेवेंथ हाउस में आते हैं, तो इसमें देखिए एक चीज मैं आपको और बढ़िया बताना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों का कार्य महिलाओं के साथ है, जैसे पुरुष है महिलाओं के साथ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी विवाद, अगर किसी, जैसे ये तो मैं आपको आपके घर की बात नहीं बता रहा, जिसके साथ आप काम कर रहे, कोई एम्प्लॉई है, कोई भी चीज इस तरीके की आप कर रहे हो कि जहां किसी महिला का आपका साथ है, तो देखिए उस समय जब ये 18 महीने का टाइम होगा, तो जो भी आप कोई भी बात उनसे करोगे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में करोगे, और कहीं भी आप इस तरीके की, जो जैसे कहते हैं ना, बातों में ढील छोड़ देना कि मैंने कुछ कहा उन्होंने कुछ अर्थ ले लिया, इस टाइप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातचीत है आप बिल्कुल रखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका विवाद वहां से स्टार्ट हो जाए और फिर एक नया आपके ऊपर आरोप लग जाए। तो ये एक चीज यहां पर बनती हुई दिखाई देती है जब राहु यहां पर आते हैं, इस टाइप की एनर्जी होती है। अब आप देखेंगे कि टोटल ओवरऑल राहु का जो ये प्लेसमेंट है वो किस टाइप का प्लेसमेंट है। यहां पर जब राहु आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करना है। आप क्या चाहते हो, आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो, किस तरीके की चीजों को आप बढ़ाना चाहते हो, आप अपने सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए, तो आपका काम क्या होगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। अन्यथा क्या होता है, यहां पर धीरे धीरे व्यक्ति के पैसे डाउन होना शुरू हो जाते हैं उसके पार्टनर की वजह से। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम, देखिए केतु देव महाराज की। तो जब केतु फर्स्ट हाउस में आते हैं तो क्या करते हैं, केतु मतलब फर्स्ट हाउस इन द सेंस मतलब लग्न, यानी हम खुद। तो आपका जो ध्यान है ना, जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो आपका ध्यान क्या होगा, सामने वाले मतलब पार्टनर की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, खुद के ऊपर आपका ध्यान कम हो जाएगा, क्योंकि केतु जहां पर होते हैं वहां पर वो अपने ऊपर, ये स्वयं की बात हो रही है, तो अपने ऊपर आप कम खर्च करोगे और अपने पार्टनर के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दोगे कि उन्होंने क्या खाया क्या पिया, इस टाइप की एक एग्जाम्पल से बात समझाने की बात है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि फर्स्ट हाउस में जब केतु आता है, ये जो 18 महीने का मैं आपको टाइम बता रहा हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोचर की बात, जब एनर्जी वहां चलनी शुरू हो जाती है आपका किसी भी काम में मन लगना बंद होगा। उसका रीजन देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए कि जब केतु के विचार है तो व्यक्ति जो है ना हर बात में स्वयं को दोष देना शुरू कर देता है कि भाई मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं उस समय ऐसा कर लेता या मैं ऐसा डिसीजन ले लेता, तो इस तरीके की बातचीत आपको लेकर आ रहे हैं केतु। तो यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति खुद के लिए नेगेटिव हो जाता है, मतलब खुद के लिए नेगेटिव होता है, दूसरे के लिए होना एक अलग बात होती है, उसका आप ट्रीटमेंट कर लोगे, कहीं ना कहीं कोई बात होती है उसको आप संभाल लोगे, लेकिन जब आपका मन खुद को दोष देना शुरू कर दे कि भाई आपकी आपका ये काम नहीं होगा, आपको इस तरीके ये चीजें जो नेगेटिव वाले आपके विचार है ये आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे कन्या लग्न वालों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें, अन्यथा जो ये व्यवस्था होती है कि जब व्यक्ति खुद से ही लड़ाई शुरू कर देता है तो उसके लिए ये थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आती है। तो केतु का जो स्वभाव है मैंने आपको बताया, आपको अकेलेपन की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तो इस तरीके की बातें आपको थोड़ा सा यह परेशान करेंगी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मेडिटेशन वाली लाइन में आइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये एक और आपको चीज एकदम पॉजिटिव देगी। ये बात देखिए, जब कोई इंसान किसी चीज में असफल हो जाता है
तो असफलता की जिम्मेदारी अगर वो स्वयं लेता है कि ये डिसीजन मेरा गलत हो गया, तो मुझे अपने डिसीजन को उससे आगे बढ़ना है, जो मेरे से कमी हो गई उससे आगे बढ़ना है, ये होता है पॉजिटिव रिएक्शन। और अगर आप केवल अपने आप को दोष देते रहोगे और फिर ये सोचोगे और काम कुछ नहीं करोगे, तो दिक्कत आपको आनी शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है इन 18 महीनों में, जो भी आपसे कमी हो गई कोई बात नहीं, एक बार आप लिखिए कि मेरे से ये कमी हो गई, मेरा डिसीजन खराब हो गया, उससे आगे निकलना शुरू कीजिए। और ये जो आपको ताकत मिलेगी, ये मिलेगी मेडिटेशन के माध्यम से, तो जो मजबूत करता है हमारे ऑरा को। तो यहां पर मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि जब केतु फर्स्ट हाउस में हो और आपका दिमाग, आपका जो एनर्जी लेवल है, अगर वो डाउन होता है, तो केवल मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता होता है, क्योंकि केतु का संबंध किस चीज से होता है, मेडिटेशन से होता है। राहु जो है मेडिटेशन से उसके विचार शांत होते हैं, लेकिन केतु जाता है गहराई में, जो आपको मतलब एकदम से शांति प्रदान करता है। तो ये आपकी रेमेडी है आपके 18 महीने की, कैसे कैसे क्या क्या काम आपको करने हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने आप को शांत करना शुरू करोगे, तो फिर आपके वो जो डिसीजन जिसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हो, वो कैसे पॉजिटिव आपके लिए काम करेंगे। आपने अपनी कमी लिख ली, मेरे इस डिसीजन के कारण ये हो गया, तो साथ में ये बात भी तो लिखो आप कि अब मैं इस तरीके से काम करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहता हूं कि जो पिछले राहु की वजह से जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया, या अपने जीवन में उन्होंने वो ऊंचाई अभी नहीं देखी, तो यहां आने के बाद राहु आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज आप मानिए। अगर आप मेहनत करते हो तो, और आपको ये मेहनत पार्टनरशिप में नहीं करनी है, अगर बिजनेस भी करना है, तो उस समय अगर कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल मत कीजिएगा पार्टनरशिप के अंतर्गत। आपको जो करना है छोटे लेवल पे भी कीजिए, लेकिन उसमें मालिक आपको होना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर राहु आपकी पार्टनरशिप को चलने नहीं देगा। दूसरी बात मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, जो आपके साथ जो आपकी स्पाउस हैं उसके साथ जो आप बातचीत करो, उसके शब्दों पर जरूर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि आपस के झगड़े ज्यादा बढ़ जाए। तो ये सारी चीज नेगेटिव देता है राहु। क्या करते हैं यहाँ पे राहु, पार्टनरशिप को नहीं चलने देते, स्पाउस के साथ इस तरीके के विवाद रखते कि वो आपके ऊपर शक करना शुरू कर देती, ये राहु की सब नेगेटिव की बातचीत होती है। और जो राहु यहाँ पॉजिटिव करता है, राहु इतना बड़ा विस्तार देगा आपको जिसको आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बिजनेस में जब आप अच्छे डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, तो जो आपका दायरा होगा, जो मतलब आप ये समझो कि ये व्यापक ग्रह है, व्यापक ग्रह का मतलब होता है इसके अंदर इतना विस्तार है कि आप इस बात को सोच भी नहीं सकते कि आपको कितने बड़े लेवल पर ये पहुंचाने की योग्यता रखते हैं राहुदेव महाराज। इसलिए मैंने आपसे बोला कि नेगेटिव साइड को जरूर सुनिए, अगर जो चीज हमारी गलत है उसको आप छोड़ दीजिए, और जैसे जैसे हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो उसकी भी संभावनाएं क्या क्या है यह भी मैं बताता हूं। कुंडली में कहीं पर भी अगर बृहस्पति की निगाह राहु पर आ रही है, तो क्या करती है राहु की वो निगाह, पांचवी और नवी दृष्टि आपकी जो राहु की नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर देती है। तो आप ये मानिए कि गोचर का असर किस प्रकार से हमारे पास होता है, तो ये तो हमने केवल प्लेसमेंट गोचर के हिसाब से आपको बताया राहु और केतु का, लेकिन इसके अलावा शनि की क्या स्थिति कुंडली में है और बृहस्पति क्या कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है देखना। तो ये टोटल छोटा सा एक एनालिसिस है कि जब राहु केतु आपके यहां पर आएंगे, तो किस प्रकार से आपका मतलब जो ये टाइम है किस प्रकार से जा सकता है। देखिए अत्यधिक एकांत में मत रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कही जाएगी बात। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जिसके साथ भी आप पसंद करते हैं समय गुजारना, कम से कम एक या दो बार उनसे फोन पर जरूर बात कीजिए। कभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिव वगैरह की ये चीज आ रही है, नेगेटिव एनर्जी, तो आप मेडिटेशन से जरूर जुड़िए। तो क्या होगा कि ये जो टाइम है ना आपका, जिसको आप ये सोच रहे हो मेरा स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल का जो टाइम है उसी से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, केतु क्या कहते हैं, खुद के ऊपर काम नहीं करने देते, और जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, ये आगे बढ़ा देते हैं आपको। ये है इसकी टोटल एनर्जी की, किस तरीके से हम राहु और केतु को इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखी, आप लोगों ने इतना समय दिया,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।